हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं, ठीक है। और उन सारे एप्लीकेशंस को मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों ने पेज पर एज अ फॉर्मूला शीट और एज अ फ्लो चार्ट उसको बनाया होगा, ठीक है। अगर नहीं बनाया है तो आप उसको बनाना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूले थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं और बहुत सारे जो उसमें से कॉन्सेप्ट है वो आपको एक ही जगह देखना चाहिए और उसको अपने सामने दीवार पे डिस्प्ले कर लेना तो बहुत अच्छा से याद हो जाता है, ठीक है। तो उसके फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, इस तरह से आप उसको जो है तो लिख कर निकालेंगे, ठीक है। तो वो हमारे कुछ फॉर्मूले हुए, हमने जो देखा तो वो देखा था एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था लाइन चार्ज की वजह से, और हमने देखा था फिर एक स्फेरिकल शेल, ठीक है, हॉलो स्फीयर था मतलब। उसके बाद हमने देखा था सॉलिड स्फीयर, ठीक है। और इन सब का जो लास्ट पॉइंट था वो था एक इनफाइनाइट लेंथ की शीट, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ की शीट के बाहर में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है हमने वो देखा था, ठीक है। तो चलिए आज पॉइंट कंटिन्यू करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर। तो लेट्स हैव द फर्स्ट न्यूमेरिकल हियर इज कि हमको पूछा है द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस इन यूनिट्स ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आर रिस्पेक्टिवली 8 × 10³ एंड 4 × 10³। देन टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस इज, हमको टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस पूछा है, ठीक है। तो सरफेस के अंदर का चार्ज निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला ऐसा होता है, फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एनक्लोज चार्ज निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, एनक्लोज्ड चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स कितना है आपको दिया है, तो देखो टोटल फ्लक्स कितना होगा, इनवर्ड फ्लक्स की डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, माइनस ले रहे हैं ना, −8 × 10³, और आउटवर्ड फ्लक्स की डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, +4 × 10³। ये कितना हुआ, −4 × 10³। ऐसा यूनिट में ये फ्लक्स की वैल्यू हो गई। तो इस फ्लक्स को क्या करते हैं, क्यू एनक्लोज निकालने के लिए फ्लक्स को यानी कि −4 × 10³ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.0 से ना, 8.85 × 10¹². तो क्यू एनक्लोज की जो आपकी वैल्यू आएगी, सो दिस इज द वैल्यू फॉर क्यू एनक्लोज, यानी कितना आया, माइनस चार्ज आया −35.4 nC, है ना, ये आंसर आया आपका। इतना चार्ज एनक्लोज करता है उस सरफेस के अंदर में, ठीक है। क्या ये बात अच्छे समझ में आ रही है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर फॉर एक्स इज लेस देन आर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर वाला केस है, क्यों, क्योंकि स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर पूछा है ना, हैज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से अपने को डिस्टेंस एक्स पर ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा 1/x² 1/x एक्स या फिर x² का आंसर इज एक्स, क्योंकि आपको मालूम है इसका जो फॉर्मूला होता है स्फीयर का यानी कि सॉलिड स्फीयर का, तो वो फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे सॉल्व होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, क्यू अपॉन 4/3 π R³ का क्यूब, ये होता है रो, ठीक है ना। तो एनक्लोज चार्ज कैसे निकालते हो, एनक्लोज चार्ज इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम डैश वी डैश, है ना, वी डैश क्यू करोगे, मतलब कि ये ऐसा स्फीयर है आपका, ये कैपिटल आर का स्फीयर है, लेकिन आप क्या करोगे, यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस मार्क करके लोगे और ये आर छोटा वाला लोगे, तो छोटे वाले आर की जो वॉल्यूम रहेगा वो वी डैश रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम की वैल्यू क्या लिखोगे, 4 π और 4/3 π x³, है ना, ऐसे लिख डालोगे। ऐसा लिखने के बाद में फिर आपने क्या करना है, इधर तो ये क्यू एनक्लोज लिख दिया, इधर वाला LHS वाला देखो, गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम है क्लोज इंटीग्रल ऑफ EdS कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 कर दो, इज इक्वल टू के एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऐसे ही तो वैल्यू है। तो इधर से निकल जाएगा आपके पास में E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DS, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ DS होता है
पाए एक्स का स्क्वायर, है ना। देखो ये डिस्टेंस आर के बजाय एक्स लो। अपन ने जो स्टैंडर्ड केस देखे थे उसके अंदर आर था, इसके अंदर एक्स लेने का, तो क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा उसका, 4 पाई एक्स स्क्वायर, है ना। इट इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज कितना है, इतना है, क्यू एन क्लोज के अंदर में रो 4 पाई एक्स का क्यूब, है ना, अपॉन 3 और नीचे एप्सिलॉन 0। अब देखो जरा क्या हो रहा है, इधर से एक्स का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो, बचा कौन एक्स, 4 पाई के साथ कैंसिल हो रहा है, तो ई इज इक्वल टू रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, समझ में आया, यहाँ से रिलेशन था वो, तो जस्ट एक बार और रिवाइज हो जाना बोल के बता दिया। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। क्या दिया कि दो गॉसियन सरफेस है, दिस इज ए दिस इज बी, दो गॉसियन सरफेस है, और अपने को ये बोला है कि इन गॉसियन सरफेस ए में से फ्लक्स निकालना है। ठीक है, और Q1 Q2 Q3 की वैल्यू दिया हुआ है, तो ए में से अगर आपको फ्लक्स निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे, और बी में से भी निकालो, मैं इसके बाद बोलता हूँ बी में से भी निकालो। ठीक है, यहाँ आपको होमवर्क रहेगा, तो बी में से भी निकालने का, ए में से भी निकालने का, तो मैं बता दूँ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। एनक्लोज चार्ज कैसे निकालोगे, एनक्लोज चार्ज इज इक्वल टू, तो ए सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कितना है, Q1 Q2 Q3 तीनों, है ना, ए के अंदर तो तीनों आ रहे और बी के अंदर सिर्फ दो आ रहे, तो जब आप बी के लिए फाइंड करोगे तो क्यू एनक्लोज के अंदर Q1 और Q2 के एडिशन करोगे, और जब ए के लिए कर रहे हो आप कैलकुलेशन, तो ए के लिए जब कर रहे हो ना ये फ्लक्स फ्रॉम ए, जब ए में से कैलकुलेट कर रहे हो तो तीनों भी चार्ज मिला दोगे आप, तो क्या करोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, तो ये इस पे लगा दो और इसको एप्सिलॉन से डिवाइड कर दो, यू विल गेट दी आर आंसर मिल जाएगा आपको। इसके अंदर में ये भी निकालो और इसका फ्लक्स बी का भी निकालो, ठीक है, एडिशन करो, एडिशन के अंदर में साइन के साथ करना, Q1 की वैल्यू को माइनस लेना है, Q2 की वैल्यू को प्लस लेना है, Q3 की वैल्यू को माइनस लेना है, ऐसे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आंसर निकालो कितना आता है बोल के, तो ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज An infinitely long thin straight wire has uniform linear density of 1/3 per centimeter. Then the magnitude of electric intensity at a point 18 centimeter away, electric field intensity कितनी होगी, ये पूछा है। तो infinitely long thin straight wire का केस है कि नहीं, इन्फाइनेटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है याद है क्या आपको, 2K λ/R, क्या इतनी होती है, अरे बोलो, फॉर इन्फाइनेटली लॉन्ग रॉड या वायर, है ना, ऐसी होती है 2K λ/R, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो अगर ये वाली वैल्यू है तो क्या करते हैं, इसमें से अपने को क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, तो R की वैल्यू दी है कितना, 18 सेंटीमीटर दिया है, 18 × 10⁻²⁺ मीटर, ठीक है ना, ऐसा दिया है। K की वैल्यू तो अपने को मालूम होती है, और लैम्बडा जो है, लैम्बडा की वैल्यू दिया है, यह है 1/3 कूलम पर मीटर, ऐसी वैल्यू दिया, ठीक है। अगर अपने पास में ये भी है तो क्या ये इक्वेशन अपनी करेक्ट है, वैल्यूज लगाते हैं, अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तब क्या करोगे, गॉस थ्योरम को यूज़ कर लेना, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करोगे, गॉस थ्योरम को यूज़ कर लेना, सिलेंड्रिकल सरफेस है ना इसी, इसके अराउंड में क्या करते हो, ऐसी एक सरफेस बना लेते हो, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी लेते हो, एल लेंथ लेते हो, ठीक है ना, एल लेंथ ले लेते हो, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, समझ लो, इसकी वैल्यू लैम्बडा आती है ना, लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू 1/3 × कूलम पर मीटर है, तो यहाँ पे अगर आप गॉस थ्योरम लगा देते हो तो क्या हो जाता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ EdS cos थीटा इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ मैं सिर्फ याद रहने के लिए फिर से एक बार में, तो यहाँ से आ जाता है आपका E इंटीग्रेशन ऑफ ds
कॉस थीटा की वैल्यू सेम, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो निकलेगी वो एरिया वेक्टर को पैरेलल होती है, तो ये हो जाएगा डीएस का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज कितना होता है लैम्बडा इंटू एल, है ना, लैम्बडा इंटू एल ये एनक्लोज चार्ज होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन डीएस, डीएस का इंटीग्रेशन कितना होता है, डीएस का इंटीग्रेशन होता है 2 पाई आर एल, है ना, ऐसे हो जाता है 2 पाई आर एल हो जाता है इज इक्वल्स टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एल एल गेट्स कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाती है आपके पास में, कितनी वैल्यू आ जाती है देखो, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, है ना। अगर मैं इसको 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बनाने वाला हूँ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा मैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज वैल्यू बिकम्स 2 इंटू लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, है ना, यही वैल्यू बनी, देखो जरा, अरे आएगी नहीं, सेम है ना, ठीक है। इस तरह से तो मैंने फिर से डिराइव करके बता दिया आपको, अगर ये वैल्यू है तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो फिर, 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू के, तो 2 के लैम्बडा बाय आर, तो अपन रखेंगे 2 इंटू के, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेस टू 9, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 1/3, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, ठीक है, ऐसे कर देने का और यहाँ से आपको मिलेगा आंसर, आंसर कितना आता है देखो, नौ से दो बार चले गए, 2 से 2 चले गया, 1/3 बोले तो 0.33 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, पर जाके +2 11 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल बॉल इज गिवन बाय वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ए बी आर कॉन्स्टेंट देन चार्ज डेंसिटी इन साइड द बॉल इज, एक बॉल है उसके अंदर की चार्ज डेंसिटी पूछा है अपने को, पोटेंशियल दिया है, ओहो हो पोटेंशियल अगर दिया है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, पोटेंशियल बोले तो वी होता है, वी इज इक्वल टू वैल्यू इज गिवन एज ए आर स्क्वायर प्लस बी, ए आर स्क्वायर प्लस बी, ठीक है, ये वैल्यू दिया है आपको, वेयर आर इज द डिस्टेंस और ए और बी आर कॉन्स्टेंट, चार्ज डेंसिटी इनसाइड, चार्ज डेंसिटी पूछा है। अगर हम एक स्फीयर की बात कर रहे हैं, है ना, अगर एक स्फीयर की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस आर हो, तो इसके अंदर की चार्ज डेंसिटी कैसे निकाल पाओगे, चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर का क्यूब, ऐसे निकाल पाओगे। अब आपको क्या 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 निकालना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा, आर आर तो अपने पास में है समझ लो, क्योंकि अपना आंसर जो है वो ठीक है 6A के फॉर्म में आने वाला है, चलो ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले क्यू निकाल लेता हूँ, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला देखो ज़रा, क्यू देखो गॉस थ्योरम से क्या होता है इक्वेशन, ई इंटू डी एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऐसे हो जाता है, और इंटीग्रेशन चाहिए डीएस का, क्यू निकालना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती है माइनस डी वी बाय वी बाय डी आर, अरे ये इक्वेशन पढ़े ना अपने पहले, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन तो अपने पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर देखो, माइनस डी बाई डी आर ऑफ ये ए आर का स्क्वायर प्लस बी, तो ये वैल्यू निकल रही है आपकी माइनस ऑफ 2 ए आर, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गई, अच्छा डी एस का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू, डी एस का इंटीग्रेशन आता है स्फेरिकल बॉल है इसीलिए 4 पाई आर का स्क्वायर, दोनों को वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इक्वेशन वन में, पुट इन वन, तो पहली इक्वेशन में पुट किया तो कितना आ जाता माइनस, ठीक है ना, माइनस 2 ए आर इंटू इंटीग्रेशन डी एस बोले तो कितना 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू निकालना है अपने को अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये वैल्यू हो गई है, तो कितना हो जाएगा ये क्यू की वैल्यू कितनी होगी, देखो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 2 फोर 8
पाई आर का क्यूब एप्सिलॉन जीरो ए आर का क्यूब, ये हो गई क्यू की वैल्यू, ठीक है समझ गए। अब ये क्यू की वैल्यू को लेके यहाँ चलो और उसको डिवाइड करो, देयरफॉर रो विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4/3, कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर का क्यूब होल डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर का क्यूब, तो आर का क्यूब यहाँ से हो गया कैंसल, और ये पाए के साथ कैंसल, ये चार से चले गया दो आ गया, ये तीन ऊपर जाके छः बन गया, तो रो इज इक्वल्स टू माइनस 6 एप्सिलॉन नॉट ए, आर तो बचा ही नहीं, बस ये आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आंसर इस तरह निकलेगा, क्या ये बात अच्छे से समझ में आई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया है कि अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो इज इक्वल्स टू के आर, वेर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड के इज कॉन्स्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच एग्जिस्ट एट द सर्फेस ऑफ स्फीयर इज, एट द सर्फेस ऑफ स्फीयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पूछा है, अरे है कि नहीं बात सही। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए होगा रो की वैल्यू, रो कितना दिया है, रो इज इक्वल्स टू के आर दिया है, रो इज इक्वल्स टू के आर का मतलब क्या होता है, देखो जरा ये एक स्फीयर है ना, ये तो स्फीयर दिया है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन में स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो इसका टोटल वैल्यू यहाँ से कैपिटल आर बनेगा, ठीक है। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इज रो इज इक्वल्स टू के आर, के आर का मतलब है आर के साथ में, अब ये के है मतलब के ये यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर आओगे तो ये वैल्यू जैसे जैसे मतलब छोटा आर, छोटी आर की वैल्यू जो है तो छोटू आर की वैल्यू कहाँ तक, यहाँ से लेकर कैपिटल आर तक होती है, तो अपन बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी जो डेंसिटी है ये चेंज होने वाली है, मतलब यहाँ डेंसिटी कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ कुछ है, तो इस तरह से डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी चेंज होने की वजह से हम इसका एक चार्ज निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। टोटल चार्ज वैसे एकदम सिंपल कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम के लिए हमको चार्ज की तो ज़रूरत है ना, तो एनक्लोज चार्ज इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज चार्ज बोले तो एनक्लोज चार्ज मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम ये हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है, इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर में रेडियस आर आता है, इसके अंदर भी क्योंकि आर वेरिएबल है इसीलिए करना पड़ रहा है, तो वैल्यू लिखेंगे अपन, कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ रो की वैल्यू कितनी है के आर, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा आपको, अच्छा वॉल्यूम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले एक ऐसी छोटू आर डिस्टेंस पे एक सरफेस मार्क करनी पड़ेगी और एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन का तरीका तो आपको मालूम है ना हमेशा से, ये स्ट्रिप की विड्थ कितनी होती है, ये स्ट्रिप की विड्थ होती है डी आर, देखो एक डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर तो सारे डॉक्टरों को मिला के क्या बन जाती, पूरी सरफेस बन जाती ना अपनी, तो वैसे ही इसीलिए आप इसको क्या लिखोगे, इसका मेरे को वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कैसे निकालते, एरिया इंटू थिकनेस, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन क्यू एन क्लोज का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, देखो के आर क्यूब इंटू डी आर, तो आप लिखोगे 4 पाई के बाहर इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है आर क्यूब डी आर का, है ना, तो आप इसको लिखोगे 4 पाई के आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर रेस टू 4/4, ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन उसका, जीरो से लेकर आर तक होता है ये इंटीग्रेशन, अगर देखना चाहो तो जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, ठीक है। तो ये क्यू एनक्लोज की वैल्यू आ गई है, तो क्यू एनक्लोज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू 4 पाई के आर एस टू 4 ये वाला अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो पाई के पाई ये देखो कैंसिल हो गया, पाई के आर एस टू 4, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट टू 0 है, ये हो गया क्यू एनक्लोज। गॉस थ्योरम लगाओ, गॉस थ्योरम क्या बोलता है, ई डी एस का इंटीग्रेशन कॉस थीटा की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, अब तो याद हो गया ना, अब तो ये फॉर्मूला कितने बार में, इंटीग्रेशन डी एस का इंटीग्रेशन करोगे, डी एस कहाँ होता है,
अगर आप ये छोटा सा डीएस लेते हो, ऐसा होता है ना डीएस, डीएससी वीएस का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर है ना, इज इक्वल्स टू क्यू एन क्लोज की वैल्यू कितनी है, पाई के आर रेस टू 4 अपॉन कितना है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इधर से ये क्या हो गया, पाए पाए के साथ में कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर ये 2 के साथ चलेगा, बचे 2 इसके अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बची आपके पास में, ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, तो के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू बची आपके पास में, ठीक है, ये वैल्यू बची है। कैलकुलेट करना है तो वैल्यू रखो और करते जाओ। है कि अपने पास के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 सॉरी सॉरी सॉरी, अब ये के का कौन है, ये के जो है हमारे क्वेश्चन में का है, उसकी वैल्यू मालूम है क्या, नहीं। क्या आर की वैल्यू मालूम है, नहीं। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू है, मालूम है। क्या कर लेते हैं मालूम करके, कुछ नहीं। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहीं छोड़ देने का, ये आंसर है उसका, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन इज क्या दिया, देखो, और यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। मतलब क्या दिया है, देखो, स्फीयर का डायमीटर दिया, चलो लिखते हैं, यहां से लिखना शुरू कर देंगे। डायमीटर कितना है, 2.4 मीटर, रेडियस की वैल्यू हुई 1.2 मीटर, उसके बाद दिया है आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है ना, ऐसे दिया है। और आपको क्या क्या निकालो बोला है, चार्ज निकालो बोला है, चार्ज इज इक्वल्स टू हाउ मच एंड फ्लक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच है ना, फ्लक्स और चार्ज निकालना है। तो चार्ज और फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा इसका, सिग्मा का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया है ना, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन एरिया बोले तो 4 पाई आर का स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई की वैल्यू पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू 1.2 का स्क्वायर यानी कि 1.44 इंटू सिग्मा की वैल्यू 80 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, परफेक्ट। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही, देखो क्यू की वैल्यू आती है 1.45 × 10⁻³ कूलम, ठीक है, ये आ जाएगी फाइनल वैल्यू उसकी। अब दूसरा दूसरा बिट क्या पूछा है, फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पूछा है ना, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू है 1.45 × 10⁻³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻½। तो यहाँ से आपको फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1.6 × 10⁸, ऊपर जाके 10⁸ होगा ना वो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 9 × 10⁻⁹ कूलम एंड इज सिचुएटेड इन अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड एट द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। दो चीज़ें आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है, देखो ज़रा, दो चीज़ें निकालना है। कैसे कैसे पूछा है अपने को, पहले दिया अपने को रेडियस, कितना है रेडियस 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 × 10⁻², ठीक है ना, ये रेडियस दिया अपने को, ये मेन रेडियस हुआ उसका। उसके बाद अपने को दिया है चार्ज, और चार्ज की वैल्यू है 9 नैनोकूलम ना, नैनोकूलम दिया है यानी कि 10⁻⁹, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद अपने को दिया कि के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5, ठीक है, ये वाली वैल्यू भी है, ये तो अपने पास में बहुत टाइम से कैलकुलेशन में नहीं आ रहा था समझो। और उसके बाद में दिया है आपको कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फीयर। तो मतलब एक बार आपको आर की वैल्यू कितनी लेना है, 15 सेंटीमीटर लेना है,
ठीक है 15 सेंटीमीटर। और दूसरी बार आपको क्या लेना है, ये पहला केस है आपका, और दूसरी बार आर इज इक्वल टू कैपिटल आर उसके ऊपर में लेना है आपको, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का आपको, ठीक है। तो एक बार आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कैलकुलेट कर रहे हो स्फीयर के, एक बार स्फीयर के सर्फेस पर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो अपने पास में फॉर्मूला होता है, देखो अगर हम लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर क्या होते हैं, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। लेकिन अब क्योंकि हमको ये बोला है कि ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो इसको यहाँ लगाना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा, ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा 4 pi epsilon 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के होता है, उसको रख दो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी 1/4 pi epsilon 0 k इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, है ना। चलो वैल्यूज पुट करो इसमें, तो E इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, ये 1/4 pi epsilon 0 का डिवाइड बाय 5, क्योंकि k बचेगा नीचे, ये इसकी वैल्यू पुट कर दिया, k बचा है, q बाय आर स्क्वायर, q की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ अपॉन आर स्क्वायर, बोले तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 × 10⁻²² ऐसे लिख देता हूँ, यानी कि 225 × 10⁻²⁴, है ना, इसी वैल्यू हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका ये आने वाला है आउटसाइड के लिए 720 N/C, ठीक है, ये वैल्यू आने वाली है। और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको निकालने की थी वो सरफेस पर है, सरफेस पर कैसे निकालते हो, सरफेस पर निकालने के लिए 1/4 pi epsilon 0 k, है ना, और सरफेस पे बोले तो क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, व्हाट इज कैपिटल आर इक्वल टू, कैपिटल आर इक्वल टू, कैपिटल आर की वैल्यू 8 × 10⁻²² है, तो यही फॉर्मूला होगा, देखो 9 × 10⁻⁹ × 9 × 10⁻⁹ अपॉन के की वैल्यू 5 बचा, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 64 × 10⁻⁴, ये वैल्यू है। तो ये कैलकुलेट करोगे आप और ये आंसर आपको मिलेगा 2.53 × 10³ N/C, ठीक है, समझे राजा, सब लोग समझे, ऐसे निकालते हैं। देखो नेक्स्ट अपने को बोला है कि अ लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 µC/m केप्ट इन अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10, फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो फिर से अपने पास में जो है तो सिलेंडर का केस आ चुका है, अपने को क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो अपन ने क्वेश्चन में देखा है कि रेडियस कितना है इसका 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, और लैम्ब्डा की वैल्यू दिया 5 µC, है ना, 5 µC/m, माइक्रो की वैल्यू लगा देंगे अपन बाद में उसको, और फिर क्या दिया अपने को, के की वैल्यू 10, आर की वैल्यू छोटू, आर की वैल्यू यानी डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे निकालना है, तो अपने को बोला है 1 मीटर डिस्टेंस पे निकालो भाई लोग, और के की वैल्यू 10 दिया है। तो अपन बोलते हैं कि ड्यू टू सिलेंडर बोलो, या इसको इनफाइनाइट रॉड भी बोलते हैं ना अपन, है ना, इनफाइनाइट रॉड भी बोलते हैं, तो ये वैल्यू क्या आती है, एक्चुअल में ये वैल्यू होती है लैम्ब्डा अपॉन 2 pi epsilon 0 × r, सही है क्या, अरे बोलो जल्दी से, 2 k λ/r, k की वैल्यू 4 pi epsilon 0, तो 2 से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये वही है ना, अरे बेटे स्टार्ट में लिया था वही क्वेश्चन है, ये 2 k λ/r, है ना, यहाँ से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, पुट वैल्यूज, आंसर निकालो इसका, 9 kV/m आना चाहिए आंसर, ठीक है, कितना आएगा 9 kV/m, किलो वोल्ट मतलब 10⁻³, ठीक है, ये आंसर आने वाला है उसका। देखो क्वेश्चन क्या दिया अपने को, अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू कूलम विनिल्ड, इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी, है ना, यानी बी सरफेस के साथ में कितना है, फाई है बोल रहा है वो, लिंक विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर, क्या होगा, ए के साथ में कितनी लिंक हो रही है, ए के साथ में लिंक होने वाला फ्लक्स निकालना है अपने को,
देखो जरा, अगर हम देखते हैं कि ये है हमारे पास में एक सिलेंडर, और ये सी सरफेस है, ये ए सरफेस है, और ये सरफेस का नाम बी दिया है उसने, ठीक है? तो बी के साथ में लिंक होने वाले फ्लक्स को उसने क्या बोला है? फ्लक्स बी के साथ जो लिंक हो रहा है उसको फाई बोला है। तो अपन क्या कर लेते हैं कि ए और सी के साथ जो लिंक होगा फ्लक्स, उसका नाम फाई डैश रख लेंगे, है ना? फाई डैश रख लेंगे। अब देखो होता क्या है, वी नो दैट फ्लक्स टोटल कितना, फ्लक्स इसमें से आ रहा होगा, अंदर चार्ज कितना है, क्यू है, तो टोटल फ्लक्स कितना निकलता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना? टोटल फ्लक्स कितना है, ए बी और सी का मिलाकर, फ्लक्स ऑफ ए प्लस फ्लक्स ऑफ बी प्लस फ्लक्स ऑफ सी मिला के क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। अरे हुआ कि नहीं? तो फिर आप क्या बोलोगे, बी और सी, बी के लिए फाइव यूज हुआ है, ए के लिए, ए और सी के लिए सिर्फ फाइव डैश यूज हुआ है, तो मैं लिख लेता हूँ फाइव डैश प्लस फाइव प्लस फाइव डैश इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू क्या होगी, आगे वैल्यू जाएगी, अपने को निकालना है फाइव डैश ये वाला ए का, है ना? फाइव डैश निकालना है, तो टू टाइम्स फाइव डैश प्लस फाइव इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइव डैश निकालना है क्योंकि फाइव डैश ए और सी दोनों से एक ही है, क्वेश्चन में पूछा है ए से मिलने वाला, अपन बोलते हैं ए और सी से लिंक होने वाला फ्लक्स एक ही है, तो फाइव डैश विल बी इक्वल टू, ये फाइव उधर जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव। तो फाइव डैश विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, वन बाय टू करो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव, दिस विल बी योर। तो इसी को, क्योंकि हम गॉस थ्योरम को बहुत जगह यूज करने वाले हैं, तो फ्लक्स को पहले एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जेई एडवांस में एक बार में पूछा था आई थिंक, और इसीलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, क्यों पता नहीं, क्योंकि इमेजिन नहीं हो पाता इसीलिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें फ्लक्स क्या है। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई जीरो एक्स, वेयर ई जीरो इज कॉन्स्टेंट, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया। ठीक है, ई जीरो एक्स मतलब क्या है, आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाली है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, ई जीरो एक्स कैप। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, और ये जो शेडेड पोर्शन का जो एरिया है ना, ये इमेजिन नहीं होता है कुछ स्टूडेंट्स को बार बार, ठीक है, देखना पड़ता है। मतलब चलो मैं आपको समझाता हूँ ये एरिया है कैसा। ठीक है, समझ लो कि ये है अपना एरिया, ठीक है, ये वाली, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना शेडेड एरिया, ये ऐसा है। यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स देखो जरा, एक्स आपके तरफ है ना, वाई ऊपर है और जेड इधर है, ठीक है। तो ये अगर ये इस तरह रखा जाता, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह रखता तो कैसे होता था, ये कौन से प्लेन में होता था, ये आता था आपका, इधर कौन है जेड और इधर कौन है वाई, तो वाई जेड प्लेन में आता था, ठीक है। ये वाई जेड प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, तो फ्लक्स के लिए आपको इसका पूरा एरिया लेना पड़ेगा, है ना। एरिया कितना लेंगे आप इसका, क्योंकि ये देखो ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो है, मतलब ये वाला कौन, ये वाला पॉइंट कहाँ आता है, ए पे आता है, ये वाला पॉइंट जीरो 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 पे, ये वाला पॉइंट कहाँ पे, ए कॉमा जीरो कॉमा ए, मतलब एक्स और जेड पे ए ए है इसका, और वाई पर जो है ये सर जीरो है, ठीक है ना, ऑब्वियसली, और यहाँ पे तीनों का ए ए है, तो इस तरह का एक स्क्वायर है ये एक्चुअली। तो समझ लो ये इस तरह का है वैल्यू, ठीक है, इस तरह का है, और ये अगर सीधा होता वाई जेड प्लेन में, अगर होता इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही होती, पूरा एरिया ले लेते ए स्क्वायर, तो फ्लक्स कितना हो जाता था, ई जीरो इंटू ए स्क्वायर, है ना, डॉट प्रोडक्ट है ना, ई डी एस कॉस थीटा, तो ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर किधर है, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना एंगल होता, जीरो, वो तो ठीक है। ई डी एस कर लेते तो ई जीरो एक्स और डी एस की वैल्यू ए स्क्वायर होती थी, ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाता था अपना ई जीरो ए स्क्वायर। बट ये जो एरिया है ना, ये क्वेश्चन, ये डायग्राम को देखो जरा, एक्स में लीनियंट है थोड़ा सा ऐसा, मतलब ये एरिया जो है ये आपका ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है, आप समझे बात को, ठीक है, ऐसा है, ये जेड एक्सिस है, ये ऊपर वाई है, तो वाई से थोड़ा आगे चला जा चुका है और एक्स की तरफ जा चुका है, तो मतलब ये वाला डायगोनल है,
है ना, ये अब डायगोनल बन जाएगा। मतलब ऐसा समझ लो कि ये एक स्क्वायर की एक साइड है और यहाँ पे क्यूब है, तो इन्हें क्यूब के ऊपर लीन हो गया और ये क्यूब का डायगोनल बन गया, है कि नहीं? बस सही, ऐसा है ना, डायगोनल बन गया। तो अब ये जो है इसके अंदर, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अंदर एंगल दिख रहा है, देखो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये, और क्योंकि क्यूब का डायगोनल अगर ये है तो ये एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें एंगल कितना होगा, क्योंकि ये ए आगे झुक चुका है ना, ये आगे की तरफ झुका है, कितना झुका है, ए आगे की तरफ झुका है, ए, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ए है और ऊपर भी ए है, तो ये डायगोनल कितने का हो जाता है, रूट टू ए, है ना, ऐसा हो जाता है। तो आप क्या ले लोगे, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, रूट टू ए हो गई है, ठीक है, ऐसा ले लेंगे आप। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर परपेंडिकुलर लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आपके तरफ है, आपको उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे कि इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो अगर इसको नीचे लोगे आप तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कंपोनेंट, है ना, ई जीरो कॉस थीटा कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉस थीटा कंपोनेंट ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, फ्लक्स के लिए वैल्यू हो जाती है ई डॉट डी एस, है ना, ऐसा है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई जीरो कॉस 45 डिग्री, है ना, और डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एस की वैल्यू, डी एस की वैल्यू के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, देखो ए इंटू ए रूट टू, है ना, ये वाली साइड जो आ जाएगी उसकी, मैंने आपको बताया लीनियर साइड कितनी आ जाती है, लीनियर साइड उसके आ जाती है ए रूट टू आ जाती है ना, वो डायगोनल साइड, और उसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया वैसे निकलेगा आपका, इफेक्टिव एरिया, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लेना पड़ता है, बात समझे आपने, ठीक है, एरिया शुड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आप दोनों तरह से समझ सकते हो उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेके एरिया ले लो, ऐसा ले सकते हो, या फिर जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट और उसको एरिया परपेंडिकुलर, ठीक है, तो एरिया परपेंडिकुलर जब आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए रूट टू हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, देखो ए स्क्वायर रूट टू, ये आ गया ई जीरो वन बाय रूट टू, ए स्क्वायर रूट टू, आंसर इज ई जीरो ए स्क्वायर, दिस इज स्टूडेंट, मैंने आपके लिए फिगर भी बना दिया है कि यही वाला कॉन्सेप्ट ठीक से समझाने के लिए। ये देखो ये वाला हमारा प्लेन है, इस प्लेन को मैंने इमेजिनरी क्यूब बना दिया, मैं जो आपको बोल रहा था ना इमेजिनरी क्यूब, तो इमेजिनरी क्यूब समझो, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो कि ये है आपका पॉइंट ए, ठीक है ना, और ये क्योंकि आगे लीनियंट हो चुका है, ठीक है, यानी कि ये इस प्लेन से थोड़ा आगे आ चुका है, तो कितना आगे आया, ए आगे आया है, ये ए आगे आ चुका है। तो देखो आप अगर ये देखो कि ये ए है और ये भी ए है, तो ये कितना हो जाता है डायगोनल, ये हो जाता है डायगोनल के ऊपर, है ना, क्यूब का डायगोनल, इमेजिनरी क्यूब का डायगोनल पे है वो, तो इसीलिए वो ए रूट टू हो जाता है। तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया बोले तो क्या हो जाता है, दिस साइड इंटू दिस साइड, तो ये ए रूट टू इंटू ए, ये आपका एरिया निकला, देखो ए रूट टू इंटू ए, ये एरिया निकला। ई जीरो कॉस 45 क्यों लिया, क्योंकि ये ई जीरो की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस पे, है ये एक्स एक्सिस है अपना, ये ई जीरो की डायरेक्शन है, तो मैंने हमारे एरिया को परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारा एरिया खुद आगे की तरफ झुका हुआ है ना, ऐसा है। तो अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास में ऐसा एरिया होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती, एरिया ऐसा झुक गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट झुका दिया हमने, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कॉस 45 वाला लेना पड़ा हमको, तो ये कॉस 45 वाला कंपोनेंट है इसका ई जीरो का। तो ये वाला है डायग्राम जो कि इस क्वेश्चन को बताता है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लिखने में बहुत आसान है, एक बार समझ गया तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ बच्चों को ये अंडरस्टैंड ही नहीं होता, ये इमेजिन ही नहीं होता कि एक्चुअली ये एरिया है कैसा, बोलिए, ठीक है, अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, चलो नेक्स्ट। तो देखो हमारे पास में प्लेन एंगल क्या होता है, एक टू डायमेंशनल एंगल होता है ना, ये रेडियस होता है समझ लो कोई, तो भी एक आर्क होती है सर्कल की पॉइंट ए से बी तक, ये है आर्क ऑफ सर्कल, और आप क्या करते हो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको थीटा बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा थीटा, यानी कि प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, है ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे होता है, ठीक बात से ऐसे हो जाता है। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला फॉर, अगर ये आर्क लेंथ, ये अगर सर्कल बहुत बड़ा रहा, रेडियस बहुत बड़ा है, सर्कल भी बहुत बड़ा है, तो ये आर्क लेंथ जो है एक लीनियर डिस्टेंस जैसा एक्ट करती है, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस जैसा, और अगर आपने इसको डी की वैल्यू बोला है, अगर इसको बोला है आपने डी, तो ये आर है समझो, तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाती है, डी बाय आर, है ना, ऐसे बन जाती है, याद रखने की चीज़ है। अच्छा व्हाट इज सॉलिड एंगल देन, तो सॉलिड एंगल हम इससे पहले देख चुके हैं, अगर आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर के अंदर आपको डिस्प्ले करके बताया था व्हाट इज सॉलिड एंगल बोल के। सॉलिड एंगल ऐसे होता है कि समझ लो आपके पास में एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया है,
इस एरिया से, ये एरिया बहुत छोटा लेने का, ऐसे इतना बड़ा नहीं लेंगे, ऐसा ले लेंगे बहुत छोटा एरिया लेने का, कि यहाँ पे समझ लो सेंटर है, तो ये वाला डिस्टेंस ऐसे और ये वाला डिस्टेंस लगभग सेम है, समझो लगभग सेम है। इसका एरिया वेक्टर किधर होता है? एरिया वेक्टर किधर होगा इसका? एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर आता है, ये हो जाएगा आपका डी ए, है ना, ऐसे आ जाएगा एरिया वेक्टर। अच्छा यहाँ पे एक एंगल बनेगा, देखो यहाँ पे एक एंगल, ऐसा बताते हैं इसको, थ्री डी एंगल होता है। इस थ्री डी एंगल को बोलते हैं, इस थ्री डी एंगल को, या फिर यहाँ पे भी अगर एक सरफेस ऐसी होती है, समझ लो ऊपर कैप है, समझो ऐसी वो कैप है, तो इसका एरिया थ्री डी एंगल एरिया, तो इस एरिया को बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। स्मॉल में ओमेगा ऐसा लिखते हैं और कैपिटल में ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ओमेगा। तो ये ओमेगा होता है थ्री डी में, इसको बोला जाता है कि व्हाट इज ओमेगा इज इक्वल टू, तो मैं लिखता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू डी ए एरिया, दिस इज एरिया डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसकी यूनिट क्या है? रेडियन, है ना, और इसकी यूनिट क्या है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन एस आर लिखते हैं इसको, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ये रेडियन होता है। तो अब ये ऐसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक और फंडा बताता हूँ मैं आपको। अगर समझ लो, अगर मैंने यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ करा, यहाँ पे क्या ये भी एरिया वेक्टर और हमारा आर परपेंडिकुलर है? देख लो जरा, है ना, आर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी आर और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, बात सही है ना, ठीक है। अच्छा अगर मैंने एक एरिया ऐसा लिया, तो ऐसे लिया तो एरिया क्या हो जाएगा फिर? अगर मैं ऐसे रेड वाला एरिया लेता हूं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इसका एरिया वेक्टर जाएगा ऐसा, है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं डी ए डैश, है ना, ऐसे लिख देता हूं डी ए डैश, और ये इसके बीच में एंगल समझो कितना है, एंगल है थीटा। आपको क्या लेना पड़ेगा? डी ए डैश का थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जो के आर को परपेंडिकुलर हो, ठीक है, एरिया का ऐसा कंपोनेंट जो के हमारे आर को परपेंडिकुलर हो, तो कैसे लेंगे फिर? तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू, ऐसा लिखो या ओमेगा ये वाला लिखो, ओमेगा इज इक्वल टू डी ए डैश कॉस थीटा कंपोनेंट, कॉस थीटा अपॉन रेडियस का स्क्वायर। मतलब हमारी डेफिनेशन कैसी बनेगी फिर? ओमेगा की डेफिनेशन ऐसी बन रही है कि कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिक्यूलर टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, रेडियस ओनली, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिक्यूलर टू आर डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, ठीक है। ये है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कौन, सॉलिड एंगल, ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये डी ए डैश कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसी हो जाएगी। फॉर कंप्लीट स्फीयर, अगर कंप्लीट स्फीयर लेते हो, तो देखो कंप्लीट स्फीयर अगर आप लेते हो, तो समझ लो ये स्फीयर है, अगर एक स्फीयर लेते हो, मतलब कि ये ऐसा स्फीयर होता है ना, ये उसका सेंटर होता है, यहाँ पे एक कोन बनाओ और इसको ऐसा मिलाओ, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है ना, तो ये है आपका डी ए। अब डी ए का देखो कंपोनेंट आर स्क्वायर के ऊपर परपेंडिकुलर है, देखो डी ए ऐसा है, आर ऐसा है, परपेंडिकुलर है दोनों भी, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा पूरा घुमा दो, तो पूरा अगर आप निकाल लेते हो, तो वैल्यू कितना बन जाता है? तो ओमेगा का वैल्यू आता है अपने पास में 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा एरिया, पूरा एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो आंसर कितना आया? 4 पाई। इस तरह से आपके पास में सॉलिड एंगल आता है 4 पाई में, ठीक है, ये है 4 पाई। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो जरा, अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि स्फीयर के तो चल गया, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास में एक सरफेस है ऐसी, ठीक है, ऐसी सरफेस है कैप, ठीक है, एक स्फेरिकल ऐसी सरफेस है, एक टुकड़ा है, स्फेरिकल सरफेस का टुकड़ा है, इससे ये डिस्टेंस पर कुछ तो भी डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस, कुछ तो भी डिस्टेंस, यहां पर ये देखो
ये वाला जो एंगल है ये है एंगल अल्फा, इसको प्लेन एंगल बोलते हैं, है ना, प्लेन एंगल अल्फा। तो वो इधर भी होगा ऐसा, ऐसा मिला सकते हैं आप नीचे भी, ठीक है। इसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। वर्टिकल क्यों बने, तो फिगर हॉरिजॉन्टल बनाए, अरे फिगर को सीधा करो, फिगर को सीधा करो, उसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो अल्फा को बोला जाता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल भी बोलते हैं उसको, सेमी वर्टिकल एंगल। वर्टिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो खड़ी फिगर रहती है, इसलिए इसको सीधा कर दो ना ऐसा। तो ऊपर में टोपी है और टोपी के हर पॉइंट से, क्योंकि टोपी स्फेरिकल है, देखो ऐसी, है ना, ऐसी स्फेरिकल है, नीचे से सर्कुलर पॉइंट है, ऊपर से स्फेरिकल पॉइंट है, ऐसा ना, नीचे से सर्कुलर सर्कमफेरेंस आता है उसका, उसके हर पॉइंट से आप क्या करो, इसको मिलाओ ये वाले पॉइंट को, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, ये हो गया और हमारा यहाँ पे सॉलिड एंगल बनने वाला है, ये ऐसा ऐसा बनेगा सॉलिड एंगल, ठीक है ना, ऐसा सॉलिड एंगल बनेगा, ये वाला, ये बनेगा सॉलिड एंगल उसका। तो सॉलिड एंगल कितना होगा फिर, तो हम लिखेंगे सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अब ये नहीं पूछना इसकी डेरिवेशन कराओ सर बोल के, तो किसी को अगर चाहिए तो मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करो, बता दूंगा इसकी डेरिवेशन कैसे आती है। मैं यहाँ पे कराऊंगा ना, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये जो आपको ये दिख रही है सरफेस, इसके अंदर में डीआर की एक पट्टी लेना पड़ती है, वो डीआर की पट्टी के साथ में यहाँ पे मिलाना पड़ता है उसको, और फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किए वैसे ही करके आंसर आता है। तो ये याद रख लो बस कि ओमेगा जो है आपका ये सॉलिड एंगल है, तो ओमेगा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, याद रखो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ओमेगा इज 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब एक बात सुनो, पूरे स्फीयर में से कितना फ्लक्स निकलता है अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर, है ना, स्फीयर के सेंटर पे क्या किया आपने, एक चार्ज प्लेस किया क्यू, तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, देखो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो अपना गॉस थ्योरम हुआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि 4 पाई की सरफेस है, सॉलिड एंगल कितना है, देखो सॉलिड एंगल कितने का है, सॉलिड एंगल 4 पाई का है, उसके अंदर से फ्लक्स कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बताओ कि यूनिट सरफेस में से यूनिट स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन है ना ये, देखो जरा ये 4 पाई स्टेरेडियन है, 4 पाई स्टेरेडियन में से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट स्टेरेडियन में से कितना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स निकल रहा होगा, है ना, यूनिट एंगल में से, 4 पाई एंगल में से इतना फ्लक्स, तो यूनिट एंगल में से कितना फ्लक्स, समझे बात को। अच्छा अगर समझ लो मैं एक स्फीयर बनाता हूँ, इससे बताओ सॉलिड एंगल कितना है, 4 पाई। एक और स्फीयर, अंदर का स्फीयर बनाया तो कितना, 4 पाए। अच्छा स्फीयर की जगह अगर ऐसा बनाया तो फिर भी 4 पाए। तो याद रख लो सॉलिड एंगल क्या रखेंगे, सॉलिड एंगल फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज सरफेस इज 4 पाए स्टेरेडियन, ठीक है, याद रख लो एनी क्लोज सर्फेस, कोई भी हम चलता है अब, ठीक है, कोई भी क्लोज सर्फेस हो सॉलिड एंगल कितना होगा आपका, 4 पाई होगा। तो 4 पाई के लिए अगर इतना फ्लक्स, तो एक स्टेरेडियन के लिए कितना फ्लक्स, एक स्टेरेडियन के लिए, एक स्टेरेडियन के लिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना फ्लक्स, ठीक है, बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई है, बस खत्म, फिर और क्या लेते, यही तो है आंसर। देखो एक देखो ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसके अंदर उसने क्या दिया था कि यहां पर एक चार्ज है प्लस, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस, यहाँ से कुछ लाइंस निकलती है, देखो इस तरह का क्वेश्चन था, और उसने ये पूछा था कि यहाँ पर क्यू ए, ये वाला चार्ज जो है, ये वाला चार्ज था अपना क्यू ए और ये वाला चार्ज है क्यू बी, अपने को पूछा था चार्ज क्यू ए और क्यू बी का रेशियो निकालो, ठीक है, वो न्यूट्रल पॉइंट भी पूछा था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी इसके अंदर में, लेकिन अपन क्या निकालने वाले हैं, न्यूट्रल पॉइंट वगैरह अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए तो हम यहाँ पे क्या निकालने वाले थे, क्यू ए अपॉन क्यू बी का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू, समझ तो आ नहीं रहा, चार्ज तो दिया नहीं है, तो क्या करना, नंबर ऑफ लाइंस गिनना, फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नंबर ऑफ लाइंस गिनना, देखो सर इसमें से इमिट कितने हो रहे लाइंस, 3 6 8 10 12,
ना, 12 लाइन इमिट हो रहे, तो क्यू ए में से कितने लाइन निकल रहे, 12। क्यू बी में कितने लाइन जा रहे अंदर, 3 और 3 6। आंसर इज 2। क्यू ए इज टू क्यू बी का रेशियो कितना है, 2। तो नंबर ऑफ लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन्स इमिटेड, फील्ड लाइन्स है ना, फील्ड लाइन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहे पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सही बात है, समझ जाओ। ओके, अब यही क्वेश्चन को उसने थोड़ा घुमा दिया और क्या दिया, देखो गॉस थ्योरम के लिए यूज करने के लिए क्या दिया, यहां पे चार्ज दिया आपको क्यू ए, यहां पे चार्ज दिया क्यू बी, और ये बोला कि यहां से लाइन ऐसे निकल रही है, ऐसे जा रही है, यहां पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है दिस एंगल इज अल्फा, यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज बीटा, ठीक है। ऐसा है, बोलो चार्ज ए और बी का पोलैरिटी बताओ क्या होगी, इसकी पोलैरिटी प्लस, इसकी पोलैरिटी माइनस, लाइन उस पर जाके खत्म हो रही है, ठीक है। ऐसा, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल कितना है, बीटा है। अब तो ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई है। अब उसने ये पूछा कि यहां पे रेशियो बताना है आपको चार्जेस के मैग्नीट्यूड का, ठीक है, सही बात है। चलो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे, अब आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, इसको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। कैसे 3D में इमेजिन कैसे करेंगे, यहां से अगर एक लाइन ऐसी जा रही होगी, ये तो रिप्रेजेंटेशन है ना, सिर्फ एंगल बताने के लिए रिप्रेजेंटेशन है, तो यहां से लाइन ऐसी भी तो जा रही होगी, है कि नहीं बात सही, ऐसे 3D में सोचो, 3D में सोचो, एक तरफ से ऐसे लाइन निकल रहे, ये एंगल कितना बन रहा है अल्फा, ऐसे निकल रहा है ऐसे जा रहे, ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे बीटा, ऐसे निकल रहे ऐसे जा रहे। आपने फ्लावर की जो है तो कली देखे है ना, कली जो होती है उसमें कैसा होता है, एक साइड का आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा थिक होती है और एक साइड बहुत थिन होती है, तो यहां से ऐसे पूरे जितने भी यहां से लाइंस निकल रहे हैं ऐसे देखो, ये लाइंस ऐसे निकल रहे हैं, ये अल्फा एंगल पे निकल रहे हैं सब, ठीक है, सबका एंगल अल्फा है ऐसा समझ लो, 3D में सबका एंगल अल्फा है, और यहां पे जब सब जा रहे हैं तो यहां पे कितने एंगल पे जा रहे हैं, बीटा एंगल पे जा रहे हैं, तो सॉलिड एंगल बनेगा ना, बीच में एंगल कैसा बनने वाला है, सॉलिड एंगल, ये एंगल को देखोगे तो कैसा बनेगा, दिस बिकम द सॉलिड एंगल, ऐसा बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इससे इमिट होने वाले लाइंस जितने हैं उतने ही लाइन इससे लिंक होने वाले लाइन है, ठीक है ना, ऐसे है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसके सॉलिड एंगल में से निकलने वाला फ्लक्स इसके सॉलिड एंगल में जाने वाले फ्लक्स के बराबर है, यानी कि हम बोलेंगे फ्लक्स इज सेम, फ्लक्स इज सेम, इसमें से जितना फ्लक्स निकल रहा है उतना फ्लक्स उसमें जा रहा है, बात सही है, ठीक है। तो इसमें से फ्लक्स निकल रहा कितना, तो अपन बोलते हैं कि पूरी सरफेस जो होती है सॉलिड सरफेस उसके लिए एंगल कितना, कितना फ्लक्स होता है, क्यू अपॉन 4πε0, इतना पूरा फ्लक्स होता है ना, क्यू की वैल्यू क्यू ए लिख देंगे, क्यू ए इतना फ्लक्स होता है टोटल, ये टोटल होता है। लेकिन अगर एंगल अल्फा आ जाए तो अल्फा के साथ क्या लिखेंगे फिर, ओमेगा, सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा 1 cos α, अरे है कि नहीं बात सही, ऐसा ना, ये सॉलिड एंगल, ये टोटल फ्लक्स इंटू सॉलिड एंगल, टोटल फ्लक्स इंटू सॉलिड एंगल, ये फ्लक्स निकला इज इक्वल टू बी क्यू बी अपॉन 4πε0। ये भी अगर टोटल फ्लक्स होता तो इतना होता, ठीक है, यूनिट एंगल के साथ इतना फ्लक्स लिंक्ड, यूनिट एंगल के साथ इतना फ्लक्स लिंक है, एंगल कितना 2π1 cos β, ये है आपके पास एंगल, अरे समझे बराबर है कि नहीं, कॉस बीटा, यहाँ पे कॉस अल्फा वहां पे कॉस बीटा, बस इतना ही है। तो क्यू ए अपॉन क्यू बी ले लो, क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2π इधर, ये सब कैंसल, बचा क्या, 1 cos β upon 1 cos α, है ना। और भी अगर इसको सॉल्व करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ रेशियो वगैरह होंगे तो लगा दो इसके अंदर में, 1 cos α 1 cos β के लिए, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ये नीचे चलेगा, ये आ गया इस तरह से, तो आपके पास में ये आया इनका रेशियो, क्या ये बात समझ में आई, तो 3D से हो गया ना सॉल्व। अब एक और एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था कि यहां पर एक सिलेंडर है, पहले हमने उसको दूसरे तरीके से देखा था, यही था गॉस थ्योरम का ही था, ठीक है, रेडियस कितना है
आर रेडियस का सिलेंडर है, ठीक है, और इसके सेंटर में चार्ज रखा हुआ है क्यू। अपने को बोला है कि इसकी कर्व सरफेस में से फ्लक्स निकालो, क्या करना है, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। अब मैंने पहले किया नहीं है, ठीक है, याद होगा आपको थोड़ा बहुत, पहले अलग मेथड से किया था, अब अलग मेथड से करेंगे, अब जो है तो हम सॉलिड एंगल वाले मेथड से करेंगे। आपको कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स चाहिए, यहाँ पे सरफेसेस कितनी है पहले बोलो, मैं बोलता हूँ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो फ्लैट सरफेस है प्लस एक कर्व सरफेस है कि नहीं बात सही, एक ऐसी कर्व सरफेस और दो फ्लैट सरफेस है ना, ऐसा है, और फ्लक्स तो सब में से जाने वाला है क्योंकि कुछ लाइंस तो इधर भी जा रही होगी, कुछ लाइंस ऐसे ऊपर भी जा रही होगी, सब में से जाने वाला है। अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पुराना मेथड लगा दे तो कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ से इस पॉइंट पर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट लेना पड़ता, दूसरा कंपोनेंट इधर लेना पड़ता, ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता, सारे कंपोनेंट्स का क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ एल तक, पूरी लेंथ एल तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बहुत बड़ा मेथड है ना, गॉस थ्योरम ऐसे सॉल्व करता है, कैसे देखो जरा। अगर मेरे को कर्व सरफेस का चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल फ्लक्स माइनस टू टाइम्स फ्लैट सरफेस का फ्लक्स, है ना, ये इधर चला गया, कर्व सरफेस का फ्लक्स मिल गया। टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर्व सरफेस, है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स माइनस टू टाइम्स फ्लैट सरफेस का फ्लक्स कितना। लगाएंगे अपन सॉलिड एंगल वाला फॉर्मूला, देखो जरा क्या सॉलिड एंगल वाला फॉर्मूला कैसे लगाते, यहां से ऐसा मारो लाइन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहां से ऐसे हो जाएगा, यहां पे क्या बन रहा, सॉलिड एंगल बनाना, सॉलिड एंगल, अच्छा ये सॉलिड एंगल से इसमें से फ्लक्स निकला कितना, अभी लिखे थे अपने थोड़ी देर पहले, कितना फ्लक्स निकलता है इसमें से निकलने वाला फ्लक्स कितना रहता, क्यू अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू एंगल कितना टू पाए वन माइनस, तो देखो cos थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू l बाय 2 ये वाला, और ये हो जाएगा उसका हाइपोटेनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो कर्व सरफेस की इक्वेशन कितनी होगी, q बाय एप्सिलॉन 0 माइनस 2, ये तो 2 2 गेट्स कैंसिल हो गया ना, 2 पाई से ये चला गया, नीचे 2 बचा तो 2 2 गेट्स कैंसिल, तो q अपॉन एप्सिलॉन 0, q अपॉन एप्सिलॉन 0 1 माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, ये l बाय 2 का 2 नीचे आ गया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4। यहां से फिर आपने क्या किया, इसको ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है, ये वाले जब ब्रैकेट ओपन किया आपने तो ये वाले दोनों भी कैंसिल हो गए, बचा क्या आपके पास में, क्यू एल अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4, क्यू एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो और ये 4 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस तरह के कुछ इक्वेशन बन सकती है। बहुत आसान हो जाता है ये इक्वेशन, बहुत आसान हो जाता है निकालने के लिए जब हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बाकी है अभी, गॉस थ्योरम के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, स्फीयर्स, उसका पोटेंशियल, ठीक है, एवरी जगह का स्फीयर में स्फीयर्स, शेल कॉन्सेंट्रिक शेल्स, उनके स्फीयर्स और उनके पोटेंशियल, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में डायलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस, बस इतना ही टॉपिक अपना बाकी है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे पावर कट है हमारे पास में, तो देखना पड़ेगा कि जल्दी एडिटिंग भी हो जाए।